इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, उसमें एसी नहीं है क्योंकि एसी और अल्टरनेटिंग करंट का ना, और एसी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका एक सेपरेट टेस्ट होगा उसके अगेन ही। मतलब आपके 3 टेस्ट लगातार हैं, अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा, उसके अगले वीक में ऑल्टरनेटिंग करंट और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक अलग टेस्ट, और उसके बाद फिर अगले वीक में आपका मेजर टेस्ट आ जाएगा। मेजर टेस्ट में तो वही आएगा 11th एंड 12th ना, जो भी आपका अब तक आपने कवर किया है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी अपनी प्लानिंग करना है ना। तो बढ़िया से टेस्ट तो सारे है ना, टेस्ट के कीवर्ड है ना, इस साल तो ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं काफी, जो इस साल नीट दे रहे हैं कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट डिले हो गया, लेकिन आपके टाइम में होप कि एवरीथिंग विल बी एज पर शेड्यूल ही हो ना, उसमें कोई ऐसी आपकी हैसल्स नहीं है। तो यू आर लकी इनफ कि आप इन सब चीजों से एस्केप कर गए, अदरवाइज तो इससे स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देखो अभी सेशन स्टार्ट होगा तो क्या सेशन में पढ़ाई होगी ना, और नॉर्मली पढ़ाई तो कंप्लीट होगी ही, तो रूल है ना, तो किस तरह से करेंगे आई डोंट नो। इस सेशन कॉलेज में भी स्टार्ट ये थोड़ा सा है, आप लोग अपनी तैयारी करो, और नीट में आपको स्कोर करना है, ये ध्यान रखना है उसमें कि अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, बस आप इसमें टेस्ट पर फोकस करते रहना। वैसे ही फेस बहुत टेस्ट, बहुत टेस्ट होता है, लास्ट ईयर में देखा है काफी टेस्ट होता है नीट के लिए, तो स्पेशली बहुत टेस्ट होता है नीट के लिए, हमेशा टेस्ट चलते रहते, सारे टेस्ट में है ना अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो। तो लास्ट क्लास में क्या हमने रिफ्लेक्शन खत्म कर दिया था, तो आज जो आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, यू विल हैव टू स्टार्ट द रिफ्लेक्शन है ना भाई, आपको जो स्टार्ट करना है रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं रिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन होती है वो बेंडिंग ऑफ लाइट राइट, ड्यू टू मीडियम चेंज, ड्यू टू मीडियम चेंज। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो अपने एक्चुअल पाथ से वो डेविएट होती है, या तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। इसी फॉर्मूला को हम क्या होते हैं रिफ्रेक्शन। रिफ्रेक्शन में सिंपल सा ऐसा है कि इस तरह से अगर वैसा ले लें कि ये आपके कोई दो मीडियम की बाउंड्री है, अपर साइड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है μ1 और लोअर साइड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है μ2। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है आई विल एक्सप्लेन, यहां से कोई रे है ना, इस तरह से आपकी रे आ रही है ऑर्गन से कुछ एंगल बना रही है ना, इसी को हम, तो अगर इस केस में ऐसा दिया हुआ है कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स प्लस से ज्यादा है तो ये रे और जब डेंसर से एरर जाएगी तो कैसे मूव कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्थ राइट। ये जो फिनोमेना होता है वी कॉल एज अ रिफ्रेक्शन। तो रिफ्रेक्शन में एक टर्म यूज हुआ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एक हम टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज योर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी हम जानते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, कि दिस इज द सी नॉट बाय सी है ना, कि भाई सी नॉट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है, भाई सी नॉट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट किसमें है वैक्यूम में, और जो सी है दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं सके आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो डिफरेंट मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, अगर हम बात करें एयर की तो एयर की अप्रोक्सीमेटली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होती है वो 1 ही होती है ना, एयर की अप्रोक्सीमेटली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी होगी 1 होगी। अगर हम बात करें किसी केस में वाटर की है ना, तो वाटर की जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होती है दैट इज योर 4/3 है ना, ये वाटर की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी होगी 4/3। ऐसे अगर नॉर्मल केस में अगर हम ग्लास की बात करें अदरवाइज तो दिया होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 3/2 है ना, तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, अदरवाइज कोई भी अगर लिक्विड है तो उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको मिसर न्यूमेरिकल्स में दी हो, तो वही चीज है
कि बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू मीडियम चेंज होता है, इसको क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे हमें पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वी स्टडी द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन किस बेसिक लॉ को फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि सिंपल से दो लॉ है। जो फर्स्ट लॉ होता है वो ये होता है कि इंसिडेंट रे राइट रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये जो सारी चीजें किस पे लाई करती हैं, सेम प्लेन। पहला तो सिंपल सही हो गया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सारे का प्लेन क्या होगा इसलिए आपका सेम। और सेकंड हम बोलते हैं इसी को स्नेल्स लॉ है ना, कि सेकंड लॉ जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल सा है कि जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा है ना ये कॉन्स्टेंट होगा है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन के जो रेशियो है ये हमेशा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल होती है म्यू टू वन है ना, म्यू टू वन का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और इसी को हम लिख सकते हैं कि दिस इज सिंपली इक्वल टू द म्यू टू बाय म्यू है ना, भाई स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आर आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा म्यू टू वन, यही चीज किसकी हो जाएगी म्यू टू बाय म्यू वन। तो सिंपल से यहां से आ गया कि एज पर द स्नेल्स लॉ म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू जस्ट आपका म्यू टू साइन आर हां, तो भाई स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू वन साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू टू साइन आर के इक्वल हो जाएगी। और अगर बहुत सारे पैरेलल सरफेस हैं हां, कि अगर हम बहुत सारे पैरेलल लेयर्स ले लें है ना, कि सिंपल से अगर हम यहां बात करें फॉर पैरेलल लेयर, पैरेलल लेयर है ना, कि बहुत सारे अगर पैरेलल लेयर्स हैं तो म्यू और साइन का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉन्स्टेंट है ना, म्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा अगर बहुत सारे पैरेलल लेयर्स हैं तो जो म्यू और एंगल का प्रोडक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा सर आपका कॉन्स्टेंट। तो जस्ट दो ही लॉ है, पहला तो सेम प्लेन में होंगे तो आपको इसमें ऐसी कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। सेकंड जस्ट आप म्यू वन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू साइन आर, अगर बहुत सारी पैरेलल लेयर्स हैं तो म्यू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा सर आपका कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जस्ट ये हो गया कि यहाँ पे अगर मैं बहुत सारी पैरेलल लेयर्स ऐसे बनाऊंगा अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर मैं बहुत सारे लेयर्स बना लूं और कोई रे यहां से आ रही है ऐसे है ना किसी एंगल पे और इस तरह से मल्टीपल बेंडिंग हो रही है और यहां से कहीं से बाहर निकल गई ये ऐसा, तो यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर मैं म्यू वन लिख लूं और ये एंगल अगर थीटा वन है और यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर मैं म्यू फाइव लिख लूं और ये एंगल अगर थीटा फाइव है है ना, तो सीधे हम यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। रे अगर ऐसे चली गई है और ये एंगल अगर थीटा फाइव है म्यू फाइव एंड थीटा फाइव तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हो गया म्यू वन इंटू साइन थीटा वन ये इक्वल हो जाएगा म्यू फाइव इंटू साइन थीटा। मीन्स किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम लगा सकते हैं, बीच में कहाँ जा रहा है उसके बाद में छूटने की जरूरत नहीं है ना, हो सकता है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कोई म्यू टू होगा इसका म्यू थ्री होगा म्यू फोर होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन बीच वाले में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पैरेलल लेयर्स, पैरेलल लेयर्स के लिए जस्ट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं स्नेल्स लॉ। तो जो मेन न्यूमेरिकल्स जो होते हैं स्टार्टिंग वाले वो कई बार इस स्नेल्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है ना, जिसमें जिस स्टेप को ये अप्लाई करना होता है कि म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या रहेगा सर आपके कॉस्ट या म्यू वन साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा म्यू टू साइन आर राइट। इसी चीज में जैसे आपने ये बताया कि एक चीज और जाननी होती है आपको कि किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं हो है ना, कि ऐसे तो हम बोल रहे हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आपको जानना होता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कि भाई लाइन बैंड हो ही ना, कि भाई ऐसे हर केस में ही बैंड होगी। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा वर्ड यूज करते हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन,
कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, भाई किस केस में रिफ्रैक्शन होगा ही? तो जब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन की, जस्ट आपके लिए स्पष्ट हो जाए कि जब भी आप बात करोगे कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, जैसे मैंने बोला कि दो मीडियम की बाउंड्री है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, कोई रे अगर इस तरह से परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे तो ये सीधी चली जाएगी। अगर किसी दोनों बाउंड्री के बीच पे अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे तो बिना रिफ्रैक्ट किए सीधी चली जाएगी। उसका रीजन सिंपल सा है कि इस केस में आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि एंगल तो हम नॉर्मल से लेते हैं, तो अगर आई जीरो होगी तो आर की वैल्यू क्या होगी इसलिए आपकी जी, है ना, मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे जो होगी ये सीधे आपके इस तरह से चले जाए। क्या दूसरा केस है ना, जो कि वैसे ज्यादा सेंस नहीं बनता उसका, कि मैं बोला कि ये दो मीडियम की बाउंड्री है और कोई रे ऐसे आके सीधे ऐसे चली, मतलब नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है बल्कि किसी एंगल पे आ रही है, लेकिन ये भी बैंड नहीं होगा। अगर ये एंगल अगर कोई थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो आपको ऐसा तभी हो सकता है जब मीडियम ही सेम हो। अगर इसका मीडियम मैं ले लूं म्यू वन और इसका मीडियम अगर म्यू टू ले लूं, तो अलग अलग मीडियम होंगे तो कभी ऐसा नहीं, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी तो रे बैंड होगी। लेकिन अगर इस केस में अगर सीधे जा रही है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू सेम है ना, अगर ऑब्लिक आ रही है और सीधे चली जा रही है मतलब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो नो रिफ्रैक्शन तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा, कि भाई नॉर्मल के अलावा अगर आएगी तो सीधे स्ट्राइक होगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा आपने पढ़ा कि किस केस में रे रिफ्रैक्ट नहीं होती, कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन। एक थर्ड इसमें चीज है, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, हम यहाँ पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, है ना, तो वेक्टर फॉर्म एकदम सिंपल सा है, जैसे आपको उसमें पढ़ा था सेम वैसे, कि भाई ये दो मीडियम की बाउंड्री है, यहां से कोई रे ऐसे आती है, इसका यूनिट वेक्टर आपको ए वन कैप दिया हुआ, इसे एंगल पे स्ट्राइक करती है और ऐसे चलेगी, है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका ही एंगल सपोज आपके ए टू कैप, और नॉर्मल का जो एंगल है वो एन कैप, जैसे आप इस क्रॉस को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे साइन आई आ जाएगा, अगर ये एंगल आई है तो ये दोनों तो वन हो जाएंगे, ये दोनों वन हो जाएंगे तो मी वन साइन आई तो आ जाएगा, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी वन हो जाएगा तो यहाँ पे साइन आर आ जाएगा, वही चीज आ गई। भाई इस फॉर्म में लिखने को इनका इंडायरेक्टली मतलब ये है कि आपने इस फॉर्म में लिखना, जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ पे साइन आई आ जाएगा और दूसरी जगह पे क्या लिया कि आपका साइन आर आ जाएगा। कई बार जब क्वेश्चन में आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिया होता है तो इसको लगाना बेटर होता है कि आप उसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा दोगे वेक्टर फॉर्म, और जो भी चीज अननोन है उसको हम क्या कर लेंगे जैसे कि आपका फाइंड हो, ये इस तरह से बेसिक कंसेप्ट में देखा जाए तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन की बेसिक थ्योरी आपकी है। नहीं ऐसा नहीं है कृतिका, उस केस में म्यू वन इक्वल टू म्यू टू अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो तो जीरो ही हो गया ना, वी कैन नॉट से भाई इसमें अगर हम आई एस ले लेंगे ना, भाई आप लगाओगे जैसे मैं साइन आर लिखूं तो साइन आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन आर, है ना, तो मतलब इस केस में अगर ऐसे आ रहा तो आई ही जीरो, अगर आई जीरो होगा तो म्यू वन म्यू टू अलग भी होंगे, है ना, अगर हम यहाँ से आई जीरो पुट कर दें तो ये पूरा टर्न जीरो है,
पूरा टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो आर की वैल्यू भी जीरो है, तो मीडियम भले अलग करो तो फर्क नहीं पड़ता, अगर आई जीरो है तो उस केस में आर भी जीरो सीधे रही आपकी जगह, उस केस में फिर मी वन मी टू का सेम होना जरूरी नहीं है ना, कि मी वन मी टू क्या हो सकता है इसलिए आपका डिफरेंट हो सकता है, कि उस केस में मी वन मी टू क्या हो सकता है इसलिए आपका डिफरेंट हो सकता है, तो हम कर सकते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि हमेशा से ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आगे की जो थ्योरी है ना अभी तो जस्ट हम यही जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें सिंपल आपको ये अप्लाई है ना कि मी वन साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा मी टू साइन आर, इसके अलावा भी हम कुछ जानते हैं है ना, तो वो इसको अप्लाई करके भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, किस तरह से हमने स्नेल्स लॉ डिफरेंट सिचुएशन में क्या करेंगे इसलिए आपको अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल आई गिव द वन क्वेश्चन और उसके बाद फिर थ्योरी आगे बढ़ा है, उसको पहले थोड़ा सा आप अटेंड करो। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, कोई बड़ा कंसेप्ट इसमें नहीं लग रहा है, जस्ट स्टेंस है, कोई भी दूसरा इंडिविजुअल कंसेप्ट इसमें नहीं, हाँ इन फर्स्ट केस देयर इज नो बिक, कोई नहीं है देखो इसमें है ना, फर्स्ट केस में बिकर जो है एम्प्टी है ना, बाद में उसको हाइट टू एस तक फिल कर दिया गया, तो नाम आपका आंसर सही है।
हाँ कृतिका सही है आपका आंसर। हाँ वंशिका सही है आपका आंसर। ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। इसका जो बी ऑप्शन था वो सही था, है ना। बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन वाज द करेक्ट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एकदम समझना। ये टैंक की है, 3H है और यहाँ पे एक रॉड एच एंड पे रखा हुआ है। जब टैंक एम्प्टी था तो एक पिन होल से कोई पर्सन इसको देख सकता है, तो उसको ये टॉप दिख रहा है पिन होल से। तो ये पिन होल से देख रहा है तो उसको इसका रॉड का टॉप एंड दिख रहा है। तो आपको पता है ये वाला जो एंगल होगा ले सकते हैं, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको इसका बेस भी इसमें दिया हुआ है 2H, इस टैंक का बेस जो है वो कितना है 2H है, और ये वाली जो हाइट है ये भी 2H होगी, है ना। ये भी बेस भी 2H है और ये हाइट भी 2H। अल्टीमेटली वाला एंगल कितना हो जाएगा आपको 45 डिग्री, मतलब रे जो जा रही है जब एम्प्टी टैंक था तो 45 डिग्री पे सीधे चली गई बिना बेंडिंग। अब इसने इसमें लिक्विड फिल कर दिया, और लिक्विड अगर इसमें ये 2H हाइट तक फिल कर रहा है तो आप उसी पिन होल से इसको इसका बॉटम एंड दिखाई, पहले तो इसको टॉप एंड दिखाई दे रहा था सेम पिन होल से जब टैंक एम्प्टी था, अब सेम पिन होल से जब देख रहा है ये 45 डिग्री एंगल पे तो इसको अब इसका बॉटम एंड दिखाई देगा लिक्विड फिल करने के बाद। तो उसका फिनोमेना सिंपल ऐसे तो हो जाएगा कि अब कोई रे अगर यहां से स्टार्ट होगी ऐसे तो रे डेंसर से रेयर में जा रही, लिक्विड से एयर में जा रही है, तो नॉर्मल से एयर में जाएगी, है ना। तो अब ये वाला केस आप हटा दो यहाँ से, हमको मतलब ही नहीं आपको ये रे, क्योंकि ये वाली जो रे होगी या बैंड होगी उसको दिखाई नहीं देगी, वही बॉटम से रे जा रही है बैंड होके ये उसके आईज में इंटर होगी, है ना। मतलब अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा रे का आपका ऐसा होगा कि डेंसर से एयर में जा रही, तो अभी नॉर्मल क्या होगी बैंड। और ये एंगल हम जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 45 डिग्री, हाँ। तो इसने बोला कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस लिक्विड का म्यू कितना हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द म्यू। उसके लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं है, म्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप ये एंगल निकाल कि यहाँ पे ऐसा होने के लिए ये वाला एंगल कितना हो, तो अपने आप म्यू वाले ये एंगल वैसे ही आपको बता देगा। क्योंकि तो आपको ध्यान दो कि भाई ये वाली हाइट एच है ना, अगर ये हाइट एच है और बीच का एंगल 45 डिग्री तो ये भी चीज एच हो जाएगी, और अगर ये एच होगा पूरी लाइन क्यू एच है ये चीज आपकी एच हो जाएगी, है ना। और आपको पता है ये एच है और ये आपका टू एच है, परपेंडिकुलर एच है और बेस कितना है कि आपका टू एच है। तो यहां से अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई ले लू या इस एंगल को मैं थीटा ले लू तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इस एंगल में जो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस से ये हाफ होगा, है ना। ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एच है और ये टू एच है, ये वाला का एंगल का टेन थीटा कितना हो जाएगा हाफ होता है, हां। तो टेन थीटा आ गया मतलब साइड का भी आ गया, और उसके बाद हम स्नैच को लगा दें भाई। इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मुझे पता नहीं, म्यू इनटू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू जहां जहां पे रही वहां पे एयर है,
वन हो गया इंटू साइन 45, है ना। तो यहां से टेन थीटा अगर हाफ है तो साइन थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, भाई टेन थीटा अगर हाफ है तो साइन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा हाफ होने का मतलब हो गया ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये चीज आपकी रूट फाइव। तो टेन थीटा अगर हाफ है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ये आपकी वन बाई रूट फाइव। इस साइन थीटा को आप यहाँ पुट कर, जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा म्यू की वैल्यू रूट फाइव बाई टू, ये आपके मतलब है ना। ये जब टैंक खाली था तो इसका ये टॉप एंड देख रहा था सीधे, इस हाइट तक फिल करने के बाद बॉटम देख लेना, है ना। तो उस केस में ऐसा तभी पॉसिबल होगा जो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट फाइव बाई टू। तो इसका जो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट, तो इस तरह से इसको क्या करते हैं अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो इसमें मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मूला नहीं यूज किया, तो ज्योमेट्री क्योंकि ऑप्टिक्स की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। और जस्ट टेक इस मीडियम का म्यू इनटू इस मीडियम का एंगल, इस मीडियम का म्यू इनटू इस मीडियम का, दोनों को इक्वल कर देते हैं तो इसी को स्नेल्स लॉ, तो इसी को यूज करके ट्रायंगल्स आप क्या करना है अटेम्प्ट करना है ना। तो इस तरह से तो इससे आपका रूट फाइव बाई टू है ना, कि भाई इससे क्या आ जाएगा सकले आपका रूट फाइव आ जाएगा। कुछ नहीं बेटा देखो इसमें भाई ये वाला एंगल 45 तो प्रूफ हो ही गया है, तो बॉटम से एक रे गई नॉर्मल से एवे बैंड होके एस जी, तो आर आपको पता था इस एंगल को आपने थीटा ले लिया और इसने उसको अप्लाई कर दिया। अब ये एंगल हम ज्योमेट्री से निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये हाइट एच है तो बेस भी एच होगा, और ये पूरा अगर 2h है तो ये h है, और ये h है और लिक्विड की हाइट अगर 2h है तो ये 10 थीटा आ जाएगा, और 10 थीटा आ गया तो sin थीटा, फिर आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया, तो इससे म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2.5 बाय 2 आएगी सॉल्व। तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे अटेम्प्ट। तो इसमें जस्ट आपको स्नेल्स लॉ यूज करना, कोई अलग से फॉर्मूला इसमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना। एक और क्वेश्चन होता है जिसमें कि आप सेम स्नेल्स लॉ ही यूज करो, कोई अलग से फॉर्मूला इसमें भी यूज नहीं करना है। आज जैसे कि आप इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लो, आसान क्वेश्चन जस्ट आपको इसमें भी यूज करना है। हाँ दिव्यान सही आंसर है,
हाँ कृतिका सही आंसर है, निमिषा सही आंसर है। चेक करते हैं है ना सही इसका ख्याल से आप लोगों ने सही आंसर भेज दिया इसका। मिनी हैज गॉट द आंसर है ना, प्रणाम सही आपका आंसर। वो कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन था ये, आपको जस्ट एक लाइन में सॉल्व करना था कि इस पॉइंट से ऐसे कोई रे गई और उसके बाद इस सरफेस के पैरेलल हो गए बेंड, कोई डेंसर से एरर में जा रही है ना, नॉर्मल से अभी बेंड हो गई है ना, तो अगर ऐसे जा रही है तो उसका आर 90 हो जाएगा और ये एंगल ऑफ थीटा ले लो, थीटा भी आपको पता ही है ये 3 और ये 4 है, तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी 3/4 है, मीन्स थीटा की वैल्यू 37 डिग्री हाँ, और उसके बाद हम स्नैपशॉट ट्राई कर देंगे। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता है, म्यू इनटू साइन थीटा, बाहर एयर है 1 into sin 9 हाँ, इस म्यू इनटू साइन थीटा बाहर 1 into sin 9 दिया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू 37 आप पुट कर दो, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी है ना, साइन 37 होता है 3/5, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 5/5 है ना, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5/3 है ना। उसके बाद होता है ये जो म्यू होता है एक्चुअली में ये सी नॉट और सी का रेशियो तो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो होता है, तो अगर हम यहाँ से सी निकालें तो सी की वैल्यू जो हो जाएगी इस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, ये आपकी हो जाएगी 3/5 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम जानते हैं 3/5 इंटू आपका 3 × 10⁸ हो जाएगा मीटर पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सही था, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा आपका ए आ जाएगा है ना, 9/5 मीन्स 1.8 आ जाएगा 8 × 10⁸, जस्ट हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए किसी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना है तो जस्ट आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया जैसे इसको सॉल्व कर लिया, जस्ट आप इसमें स्नेल्स लॉ क्या पता इसके बाद आते हैं। अब थोड़े से स्पेशल चीजों के ऊपर आते हैं, अब तक तो जस्ट बेसिक लॉ, इसके बाद हम आते हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वी आर स्टडिंग द रिफ्रेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस है, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे वी आर स्टडिंग द रिफ्रेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, रिफ्रेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस
पीयर्स प्लेन सरफेस से रिफ्रेक्शन की हम बात करते हैं। बाबा को जब आप प्लेन सरफेस से रिफ्रेक्शन पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड एपरेंट डिस्टेंस, एक्चुअल एंड एपरेंट डिस्टेंस। वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल एंड एपरेंट डिस्टेंस, है ना भाई, एक्चुअल एंड एपरेंट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन की हम बात करते हैं, है ना भाई। आपको अगर मीडियम चेंज की वजह से एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और होती है, है ना, एपरेंट डिस्टेंस दिखता जो आपको कुछ और दिखता है। लाइक जब हम स्विमिंग पूल में देखते हैं तो उसका फ्लोर आपको ऊपर दिखाई देगा, वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल एंड एपरेंट डिस्टेंस, तो उसको आप इस तरह समझ सकते हो, एकदम सिंपली इसको समझना है कि भाई ये किसी इस तरह से दो मीडियम की बाउंड्री है, इसके लेफ्ट साइड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 है, राइट साइड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है। ये दो मीडियम की बाउंड्री है, V1 लेफ्ट साइड, V2 राइट साइड, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ V2 से दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट V1 में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर V2 से दिख रहा है। तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस इसकी x है, सपोज दिस x इज द एक्चुअल डिस्टेंस, भाई सेपरेशन पॉइंट से x जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, हां। तो जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो उसको x पर दिखाई देगा, या तो इसको पास दिखाई देगी या दूर दिखाई देगी, डिपेंड करता है क्या रिलेशन, या तो इसको ये पास दिखाई देगी या कैसे दूर दिखाई देगी। दूर, तो अगर मैं ऐसा ले लूं कि ऑब्जर्वर का मीडियम एरर है, V2 इज लेस देन V1, तो उसको ये पास दिखाई देगा, है ना, क्या होगा कि इस तरह से रे आपकी जाएगी, है ना, और यहां से नॉर्मल से अवे बैंड होगी। तो जब ऑब्जर्वर की आईज में जाएगी तो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट नहीं देख रहा होगा, वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहा होगा, क्योंकि उसको तो रेज आपकी भी दिख रही है यहां से कहीं और से, क्योंकि रे बैंड हो चुकी है इसलिए इसको कहीं और से आते हुए दिख रही है, तो उसको आते हुए दिखेगी कहीं यहां से, वो इसकी इमेज को देख रहा है सीधे चले। अगर मीडियम सेम रहते तो सीधे जाके वही दिखाई देते, लेकिन चूंकि ये डेंसर से एरर में जाते तो नॉर्मल से बैंड हो जाएगा और उसको रे आती दिखाई देगी आई से। आई की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम बोलेंगे एक्स डैश। तो जो एक्स डैश होगा दिस इज नोन एज एपरेंट डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं सिंपली आपका एपरेंट डिस्टेंस, हां ये एक्स आपका एक्चुअल डिस्टेंस है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर है, इस आई को मैं यहां बना सकता हूँ और आर को मैं यहां बना सकता हूँ। उसके बाद सीधे स्नेल्स लॉ तो हर केस में वैलिड है, एक मीडियम से जैसे दूसरे मीडियम में जाएगी सबसे पहले जो चीज अप्लाई करोगे विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ। जैसे मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा μ1 साइन आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा μ2 साइन आई, μ1 साइन आई किस हो जाएगा सर आपके μ2 साइन आर, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एप्रोक्सीमेशन होता है ना, कि यहाँ पे थोड़ा सा हम एप्रोक्सीमेट लेते हैं, हम ये बोलते हैं कि फॉर नियर नॉर्मल वी, आप यहाँ पे एक वर्ड यूज करोगे फॉर नियर नॉर्मल वी, है ना, वही पैराक्सियल रेज वाला है, है ना, कि भाई फॉर नियर नॉर्मल व्यू मींस स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इस केस में नियर नॉर्मल व्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें, तो आपको पता है इसी जो साइन का रिलेशन था इसको मैं टेन के रिलेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं, देखा सही कि भाई साइन आई और टेन आई स्मॉल एंगल के तो सेम ही होते हैं, साइन और टेन की वैल्यू दोनों थीटा के इक्वल,
आपने लिख लिया, इसके बाद आप सिंपल लिख लो डिस्टेंस कि जब मैं यहाँ पे टेन आई लिखूंगा ये आपको हो जाएगा एपी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इसका एक्स होगा। मेरे को लिख दिया टेन आर लिख दिया तो उस ट्रायंगल में आपका ये हो जाएगा एपी बाय बेस एक्स, यहाँ से एपी तो कैंसिल हो गया तो यहाँ से अपरेंट डिस्टेंस आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, इसी को हम बोलते हैं अपरेंट डिस्टेंस। तो जो अपरेंट डिस्टेंस एक्स डैश होगी है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू टू बाई म्यू वन। बहुत इंपॉर्टेंट है अपरेंट डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा आपका म्यू टू बाई म्यू वन इंटू एक्स म्यू वन। अब इसमें म्यू वन म्यू टू आपको जानना है क्या चीज है, किसको हम म्यू वन ले रहे हैं किसको हम म्यू टू ले रहे हैं। तो जहां पर म्यू वन जो है ये ऑब्जेक्ट के मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ, और जो म्यू टू है ये ऑब्जर्वर की मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जहां से पर्सन उसको देख रहा है। तो ये मेन रिलेशन आ गया कि अपरेंट डिस्टेंस एक्स डैश जो होगी वो एक्स से ज्यादा भी हो सकती है एक्स से कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है म्यू टू और म्यू वन में क्या। जब रेयरर से डेंसर में देखेंगे तो पास दिखाई देगा, और जब हम डेंसर से रेयर में देखेंगे तो चीजें दूर दिखाई देंगे। जब रेयर से डेंसर में देखेंगे है ना तो जो चीजें होंगी वो क्या होंगी जैसे कि आपके पास दिखाई देंगे, और जब डेंसर से रेयर में देखेंगे तो चीजें आपको दूर दिखाई देंगे, डिपेंड करता है कि इसके बीच में क्या। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू टू बाई म्यू वन इनटू एक्स। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है इस तरह के केसेस होते हैं कि भाई एक कोई टैंक है इसमें कोई लिक्विड फिल और इस टैंक की जो डेप्थ है वो है डी, इस टैंक की डेप्थ कितनी है इसलिए आपकी डी, तो इसका अपरेंट डेप्थ आपको निकालना होता है कितना। एक्चुअल डेप्थ इसकी डी है मतलब बॉटम में अगर कोई वो पॉइंट है ना, बॉटम में अगर ये कोई वो पॉइंट तो इसको कोई ऑब्जर्वर अगर एयर से देखेगा है ना तो उसको ये कहीं यहाँ पे दिखेगा है ना, तो अगर ये डी है तो डी डैश कितना ये निकालो है ना। तो आपको पता एक मीडियम तो इस केस में क्या हो गया लिक्विड हो गया और एक मीडियम आपका एयर, तो सेम ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर मुझे इस केस में डेडैश निकालना है ना, किस केस में डेडैश की वैल्यू कितनी होगी तो डेडैश की वैल्यू डी बाई म्यू हो जाएगी, बुझा ना, डेडैश निकालना है ये डी है म्यू टू बाई म्यू वन है ना, तो म्यू टू तो ऑब्जर्वर है उसका मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन हो गया और ऑब्जेक्ट म्यू है तो अपरेंट डेप्थ डी बाई म्यू है। अगर हम एयर से किसी लिक्विड में देख रहे हैं इसका उल्टा अगर हम ले मैं बोलूं कि भाई ये चीज जो है ये आपका कोई लिक्विड है ना, और इससे किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो किसी एच ये आपका जो प्लस है सब बहुत इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसी के ऊपर मैटर होते हैं। यहाँ पे इस तरह से अगर मैं देख लूँ भाई मेन फॉर्मूला तो ये है उसी को थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक और करते हैं है ना, इस तरह से है और किसी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ किसी डी हाइट है ना, और ऑब्जर्वर इसको लिक्विड के अंदर से दिख रहा है तो इसमें क्या होगा कि रे ऐसे जाएगी इस तरह से आप रे लोगे और ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड है ना, रे जो होगी कैसे बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स यस वापस बाद इसको कहीं ऊपर से आप लोग दिखेंगे है ना, तो ये डिस्टेंस आपका ले रहा है कि एयर से लिक्विड में देखेगा तो चीजें पास दिखाई देंगी और जब लिक्विड से एयर में देखेगा तो चीजें दूर दिखाई देंगी। तो यहां से भी डेडेश हम लिख सकते हैं डेडेश की वैल्यू म्यू हो गया क्योंकि इसमें उल्टा हो गया ना, ये चीज म्यू हो गया ये बात है। तो एक सिंपल चीज है कि जब एयर से लिक्विड के अंदर देखेंगे तो डी बाई म्यू हो जाएगा और जब लिक्विड से एयर में देखेंगे तो म्यू मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर दो अलग अलग मीडियम में करिए तो यूजली ये वाला केस होता है या तो म्यू डिवाइड होता है या म्यू यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई। और जो रिलेशन आपने डिस्टेंस में निकाला है वही वेलोसिटी में हो जाएगा, भाई जो भी डिस्टेंस का रिलेशन है ना वही रिलेशन किसका हो जाएगा सके आपका वेलोसिटी का, इसको आप डिफरेंशिएट कर इस रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं आपका डिफरेंशिएट
कि भाई अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो इमेज भी मूव करेगी, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर v है तो इमेज की वेलोसिटी अगर v डैश है तो इसमें क्या रिलेशन? आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, हां कोई अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं आपको, इसी चीज को आप डिफरेंशिएट कर दो तो यहां से याद रहे dx डैश / dt is equal to mu2 / mu1 तो कांस्टेंट ही है into dx / dt, तो dx / की इमेज की वेलोसिटी वो v डैश into mu2 / mu1 into v डैश, हां किसी को हम अपरेंट वेलोसिटी बोलेंगे, अपरेंट वेलोसिटी एंड अपरेंट डिस्टेंस दोनों आपको जिस तरह से हम इसको लेकिन ध्यान रखना स्नेल्स लॉ किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, लेकिन ये फॉर्मूले जो भी हम लिख रहे हैं चाहे ये वाला फॉर्मूला चाहे आपका ये वाला फॉर्मूला, दिस इज वैलिड फॉर नियर नॉर्मल, लार्ज एंगल के लिए फॉर्मूले वैलिड नहीं, स्नेल्स लॉ इज वैलिड फॉर एनी एंगल, लेकिन ये जो फॉर्मूले लिख रहे हैं इसमें आपने साइन को 10 में कन्वर्ट किया तो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस आ, किसी को हम बोलते हैं नियर नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू नहीं नियर नॉर्मल, जो भी एंगल होंगे वो स्मॉल, आपके मेजर टेस्ट के पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट करवा दूंगा, आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मेजर टेस्ट में उस पढ़ते रहना थोड़ा सा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, ये बाकी तो आपके पहले ही पढ़ा, इसके ऊपर भी बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हैं अपरेंट डेप्थ के ऊपर, मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा आपसे, ये जो ऑयल की थिकनेस है ना वो 9 सेंटीमीटर है, इसमें 96 लिखा हुआ है, वो गलती से लिखा हुआ है, 96 नहीं है 9 सेंटीमीटर, ऑयल के थिकनेस 9 सेंटीमीटर,
मैं डायग्राम बना दिया मैंने बोर्ड पे, उसको आप देख के रेफर कर सकते हैं। किस तरह से एट नाइन फोर फोर बाई थ्री थ्री बाई टू टू ओके आपके अंदर क्या है ना। ये आंसर तो किसी का नहीं आ रहा भाई, ये आंसर तो नहीं आ रहा। मैं वो समझ रहा हूँ क्या गड़बड़ कर रहे हो उसकी, वैसे करोगे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा ये, जैसा आप सोच रहे नहीं तो आपको कंफ्यूज करना होगा, सोच रहे ना वैसे करने तो बहुत मुश्किल। ये नहीं देखो इसमें ना बहुत कॉम्प्लिकेशन में आप मत फंसना, इसमें सिंपल सा होता है कि सिंपल एड ऑल इंडिविजिबल डेप्थ डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ भाई इस विद रिस्पेक्ट टू एयर में इंडिविजुअल डेप्थ को निकाल के सबको हम ऐड कर देते हैं ना, आप ऐसा सोचोगे यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो बहुत मुश्किल है। उसका सिंपल तरीका होता है कि हम ऐसा मानेंगे 8 सेंटीमीटर को अगर हम एयर से देखेंगे कितने सेंटीमीटर का दिखाएंगे, 9 सेंटीमीटर को अगर हम एयर से देखेंगे तो कितने का दिखाएंगे, एंड 4 को अगर हम एयर से देखेंगे तो इजिली आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, जो डेडैश की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी जस्ट हो जाएगी डी वन बाई म्यू प्लस आपका हो जाएगा डी टू बाई म्यू प्लस हो जाएगा डी थ्री बाई म्यू एंड सो ऑन।
dn by mu n ये अच्छा तरीका होता तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा। वह ऐसे ले गई यहाँ से यहाँ, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट कॉल करेगी, फिर गई फिर तीन चार स्टेप में तो सॉल्व उससे भी जाता है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। अगर 8 सेंटीमीटर हम एयर से देखें तो कितना दिखाएगा, अगर 9 को हम एयर से देखें तो कितना दिखाएंगे, 4 को हम एयर से देखें तो कितना दिखाएंगे, और सबका एयर के रिस्पेक्ट में निकाल करके आप कंबाइन करके सिंपल आते हैं। यहाँ से डेडैश की वैल्यू सिंपल ऐसे आ जाएगी, जो डेडैश की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 8 बाई म्यू वन प्लस डी टू आपका 9 हो गया, 9 बाई 3 बाई टू प्लस डी थ्री आपका 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 1। उससे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सिर्फ 14 सेंटीमीटर या फ्रंट डेप्थ इसकी 14 सेंटीमीटर, जो एक्चुअल डेप्थ 21 है ना, इसका अगर एक्चुअल डेप्थ 21 है ना, तो इसको एप्रेंट डेप्थ जो होगा वो सिर्फ 14 होगा, मतलब यहाँ पे नहीं होगा पूरा। अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको ये 14 पे देखेगा, लेकिन इसमें कई बार एक चीज और भी पूछी जाती है कि इसके इक्विवेलेंट म्यू कितना हो, इस केस में कई बार ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी थोड़ा सा आपको लेना चाहिए। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होगा कि अलग अलग लिक्विड की वजह अगर सेम लिक्विड होता तो उसका म्यू कितना होता, एकदम आसान है भाई, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू होता है। तो आपने डी डैश तो निकाल लिया पूरा, अगर एक ही लिक्विड होगा तो 14 होगा, अगर पूरा सेम लिक्विड होगा तो उसकी डेप्थ 21 है भाई, अगर एक ही लिक्विड होगा तो उसकी डेप्थ 21 आ जाएगी, यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 21। तो ये मेथड होता है, अदरवाइज दूसरा जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो ना उसमें बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे, है ना। हाँ सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। तो देखो किसी भी चीज को ना इंडिविजुअल को सेम मीट के रिस्पेक्ट में निकाल के हम ऐड ही कर देते हैं भाई, सबको एयर के रिस्पेक्ट में ले लिया भाई, एयर इस डेप्थ को इतना दिखा देते, एयर के रिस्पेक्ट में इस डेप्थ से इसको इतना दिखा सकता, इस डेप्थ को इतना दिखा सकता। तो अगर हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो और एयर से अगर हम देखें तो नेट कितनी डेप्थ हो जाएगी, वो ऐड करती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू लेंगे तो एयर में हम क्या करेंगे ऐड करती, जैसे सारे क्वेश्चन में उसको अप्लाई, इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन है ही नहीं भाई, विद रिस्पेक्ट टू एयर हम निकाल रहे हैं अलग अलग, और फाइनली भी कंबाइंड भी हम एयर से ही देख रहे हैं, सबके इंडिविजुअल को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये आपका ये कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन से थोड़ा सा टाइपिंग में आ रहा है। इस तरह से कोई टैंक है, इसमें लिक्विड और इसके बॉटम को हमने मिरर बना लिया, रिफ्लेक्ट पॉलिश कर दिया, बॉटम में क्या रखा हुआ बेसिकली आपके एक प्लेन, यहाँ पे एक बर्ड है जो कि नीचे की तरफ डाइव करता है,
मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि ऊपर की तरफ से 4 मीटर, लेट मी चेक द डाटा, बर्ड सिक्स्थ राउंड बर्ड फोर से ही आए। सिंपल सा आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने और वो क्वेश्चन आपकी ये पहला जो क्वेश्चन है आपको ये पूछा गया है, चार पार्ट हैं इसके। बस फाइंड आउट स्पीड ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड व्हेन व्यूड डायरेक्टली, व्हेन व्यूड डायरेक्टली। सेकेंड में भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड व्हेन व्यूड आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड पार्ट में इससे एक उल्टा पार्ट, फाइंड आउट स्पीड ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फीट बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश व्हेन व्यूड डायरेक्टली। And fourth part में find out the speed of the bird with respect to fish when viewed after reflection. After yeah, when viewed after reflection. जी, इन दोनों की इमेज ही बनेगी ना मिरर में। इसकी इमेज सपोज आपकी एफ हो जाएगी, बर्ड की इमेज भी मिलने में। एक तो सीधे बोल रहा है, सीधे कितने कितने स्पीड होगी, और एक इसका जो इमेज बन रहा है उसकी स्पीड। वाटर है, एक चीज इम्पोर्टेंट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लेना पड़ेगा ना आपको। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/5, उसके बिना कैसे करेंगे? बाहर एयर है, बाहर के वजह से कि आपका एयर मछली और चिड़ी वाले केस बड़े फेमस होते हैं।
मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है आपको, आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, ये जानना है भाई इसके रिस्पेक्ट में इसके रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये सारे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। हाँ कृतिका अब आपका आंसर सही है। अरे दिव्यांश ये आंसर तो सही नहीं है, कृतिका आपके फर्स्ट दोनों आंसर सही है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रोसेस से आपको, है ना, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं इसमें है, मैंने आपको ये बोला ना कि कुछ दो ही फॉर्मूले होते हैं इसमें। व्हेन वी डैश की वैल्यू या तो ये वी बाई म्यू होगा या वी डैश की वैल्यू जो होगी म्यू भी होगी। देखिए कैसे होता है, तो जब हम एयर से फिश बर्ड जब फिश को देखेंगे तो एयर से हम लिक्विड के अंदर देख सकते हैं, ये चीज वैल्यू ना? और जब फिश बर्ड को देखेंगे तो ये वाला वैल्यू। पहले हम इसकी बात करते हैं कि भाई एक्चुअल वेलोसिटी अगर इसकी 4 है तो इसको वो कितनी दिखाई देगी, वी डैश की वैल्यू हो जाएगी 4/4/3, 4/4 कैंसिल, इसको 3 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल जो 4 है जब बर्ड विजुलाइज करेगा तो इसको कितनी दिखाई देगी, 3 मीटर। अब बात है ये 6 से नीचे जा रहा है और ये 3 से ऊपर जा रही है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐड हो जाएगी ना, और रिलेटिव वेलोसिटी जब ऐड होगी तो कितना हो जाएगी, 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। एक्चुअल 4 था
मीडियम चेंज होने की वजह से बर्ड को थ्री का दिखने लगा, एंड बर्ड में तो नीचे डाइव कर रही है, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन के लिए 90 डिग्री। तो पहला का आंसर आ जाएगा डिफाइंड आउट द स्पीड ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू वन एंड विद व्यू डायरेक्टली, दैट इज द 9 मीटर पर सेकंड। और अगर डायरेक्शन आप शो करते हो तो अपवर्ड लिख दो, हां कि बर्ड को अपनी तरफ ऊपर की तरफ आते दिखेगी कितने से 9 मीटर। आप उधर फिश का इमेज बनेगा, तो अगर फिश 3 से ऊपर जा रही तो उसका इमेज 3 से नीचे जाएगा, हां इसका इमेज जो होगा वो 3 से किस तरह मूव करेगा नीचे, तो बर्ड को एक तो डायरेक्टली देखेगा तो उसको तो ये 9 से आते हुए दिखेगी, एक जब इसका इमेज ही मिरर में देखेगा इस मिरर में, है ना, तो इसके रिस्पेक्ट उसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो 6 डाउनवर्ड 3 डाउनवर्ड, तो दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। मैं प्रॉपर्ली यूज कर लेता हूं वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, क्या व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। वेलोसिटी ऑफ फिश तो एक्चुअल 3 है लेकिन इसकी इमेज एक्चुअल 4 है, इसकी इमेज जो होगी 3 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड माइनस 3 लेंथ, बर्ड भी नीचे ही आ रहा है माइनस 6, तो अल्टीमेटली ये आपका आ जाएगा प्लस 3 मीटर। प्लस 3 का मतलब ये है कि बर्ड को ये इमेज अपनी तरफ आती दिखेगी 9 से, और जो इसकी ये वाली इमेज होगी इसके रिस्पेक्ट में अपनी तरफ आती दिखेगी, और वो कितने से आते दिखेगी इसकी आपकी 3 मीटर पर सेकंड। अल्टीमेटली सेकंड का जो आंसर आ गया कि आपका 3 मीटर पर सेकंड है ना, अदरवाइज तो आंसर नेगेटिव आता है ना, पॉजिटिव वाले का मतलब है कि ऊपर ही जा रहा है। तो ये तो मैंने पहले दो पार्ट कर लिए जिसमें कि बर्ड ऑब्जर्वर था फिश ऑब्जेक्ट था, वी को आपने म्यू से क्या कर दिया डिवाइड कर, ये निकाल लिया तो डायरेक्टली देखेगा तब तो 3 से ऊपर था, इसका इमेज जो होगा वो 3 से नीचे था, तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब हम आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, तो देखो जब थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप सॉल्व करोगे ना ये वाला, तो आपको होता है कि फिश बर्ड को देखेगी, जब ये फिश बर्ड को देखेगी तो वीडाश की वैल्यू म्यू इनटू वी होगी, ये डांसर से रहा है देखो लिक्विड से एयर में म्यू मल्टीप्लाई होता है, तो म्यू की वैल्यू होगी 4/3 और फिश की वेलोसिटी आपकी 4 है ना भाई, जो सॉरी बर्ड की वेलोसिटी है, बर्ड की वेलोसिटी कितनी है चलिए आपकी 6 है ना, तो ये आपके 8 मीटर पर सेकंड है ना, कि म्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मतलब इस फिश को बर्ड नीचे हुए जो आती दिखाई देगी वो ज्यादा स्पीड से दिखाई देगी 8 मीटर पर सेकंड, हां फिश 4 से ऊपर जा रही थी बर्ड 8 से नीचे आ रही, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 12 हो जाएगी ना, जो सेकंड पार्ट का आंसर थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 12 मीटर, है ना, कि अगर ये फिश ऑब्जर्वर है ये तो 4 से ऊपर जा रही है, एक्चुअल इसकी 6 है लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से इसको 8 दिखाई दी, तो दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी कितना देगी आपकी, इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, है ना, इस केस में हम इससे निकालते हैं, है ना, तो आपका जो हो जाएगा वो 12। अब यहाँ भी आ गया इस बर्ड का इसके अंदर इमेज बनेगा, तो अगर ये बर्ड 8 से नीचे जा रही है तो ये बर्ड का जो इमेज बनेगा वो 8 से ऊपर जाएगा, अब अगर फिश को इसकी इमेज की वेलोसिटी निकालनी कितनी होगी आप निकालो, इस केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे अदरवाइज डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगी, तो इस केस में जब मैं कैलकुलेशन करूंगा जस्ट मैं ऐसा लिख दूंगा मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, मींस वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है जो फिश को दिखाई दे रही है वो 8 से ऊपर माइनस वेलोसिटी ऑफ फिट कितनी फिश कितनी है 4 से ऊपर, डायरेक्शन सेम है ना दोनों की 8 एंड 4, तो नॉर्मली ये 4 मीटर पर सेकंड हां, और चूंकि पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी क्या होगा कि आपका आउटपुट ये वाला जो आंसर आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड, तो ये पूरा डिटेल कैसे कैसे इसको दिखाई देगा, अपेरेंट का मतलब एक्चुअल ऐसा नहीं है उसको ऐसा दिखाई देगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो जरा इसके ऊपर ना, कि कैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिलेटिव यूज करना है आपको इसमें।
किस केस में क्या यूज करना है, थोड़ा सा रिलेटिव यूज। सही, एक ही केस में सिर्फ डाउनवर्ड दिखाई देगा, वही और बाकी सब में अपवर्ड ही। तीनों केस में अपवर्ड, इस केस में क्या होगा सर, आप सर ये क्रिटिकल क्वेश्चन। एपरेंट वेलोसिटी में या तो म्यू डिवाइड होगा जब हम एयर से लिक्विड में देखेंगे, या म्यू मल्टीप्लाई होगा जब लिक्विड से एयर में देखेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी तो आप जानते ही हो जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो दिस वे वी कैन एंड दिस। इसके बाद एक और क्वेश्चन, दिस गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन, मेनी इंपॉर्टेंट है। इसके तो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम ये होते हैं जिसमें कि वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर जो भी हमने क्वेश्चन लिया सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन में जिसमें कि हम बात करते हैं वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे कोई टैंक है, इसकी इसमें कोई लिक्विड फिल्ड है, इसकी हाइट सपोज है एच, है ना, कोई ऑब्जर्वर इसको टॉप से देख रहा है, यहां से हम कोई वाई मेजर करते हैं टॉप से, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना वो वेरिएबल है, म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 + y / h। मतलब जैसे जैसे y चेंज होगा, जैसे जैसे y डेप्थ चेंज होगी, म्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। टॉप पे अगर हम देखें तो y 0 हो जाएगा, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, ये रही वहां। जैसे जैसे y बढ़ेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अगर मैं बॉटम की बात करूं तो बॉटम में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू h हो जाएगी, तो डाउन y के अकॉर्डिंग इसके डेप्थ के अकॉर्डिंग म्यू वेरिएबल। एक ऑब्जर्वर इसको बाहर एयर से देखता है, आपको इस केस में ये बताना है कि व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ इन दिस केस, व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक। जो टैंक है उसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, एक्चुअल डेप्थ अगर एच है एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक कितनी होती है।
तो मैं इसको एक्सप्लेन करता है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं है। देखो कुछ नहीं है इसमें, एक्चुअली क्या है ना, इसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं, लेकिन हर लेयर का म्यू अलग अलग है। तो अभी जो आपने यूज किया था ना, तीन चार लेयर में सबका डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल के सबको ऐड कर दिया था, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लेयर्स हैं, सबका म्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो आप इसमें एक एलिमेंट ले लोगे ना, आप एक वाई डेप्थ पे एक एलिमेंट ले लोगे डिवाइडर, हम बाकी पे फोकस नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे अगर इस डीवाई एलिमेंट को अगर मैं एयर से देखूं तो ये कितने का दिखाई दे, बाकी को हम भूल जाते हैं। अगर ये डीवाई को हम एयर से देखें तो इसका विड्थ कितनी दिखाई दे, तो आपका डीवाई डैश हो जाएगा। एयर से देख रहे हैं तो डीवाई डैश जो होगा वो डीवाई बाई न्यू होगा, एक्चुअल विड्थ जो डीवाई थी अगर हम इसको एयर से देखें तो ये इसको डिवाइड एज दिखाई दे, डिवाइड बाय म्यू, और म्यू की वैल्यू वेरिएबल ये आपका देगा डिवाइड डिवाइड बाय 1 प्लस वाई बाय एच। पर आपको पता है ऐसे से बहुत सारे डिवाइड एज होंगे, और टोटल निकालना है तो मैं इसको डिवाइड एडिट तो करना होता है, अलग अलग का निकाल के आप क्या करोगे ऐड करोगे, और एडिशन का मतलब इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन की लिमिट आपको पता है जीरो से लेके एस तक, जीरो से लेके एस तक हम इसको इंटीग्रेट, जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी अपरेंट डेप्थ एस डैश आ जाएगी, एस डैश की जो वैल्यू आ जाएगी इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना तो ये लॉग में आ जाएगा, एच लॉग ऑफ 1 प्लस वाई बाई, है ना, और इसमें लिमिट है ना, लिमिट आप जो पुट करोगे वो जीरो से काउंट कर दोगे एस, तो एस डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो एच वाई के लिए आप एच पुट करेंगे तो एल एन टू एच लॉक टू, हाँ इसको जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने देर सकती है आपकी एच लॉक टू आ जाएगी, ये इसका आंसर। अगर इस फंक्शन से वैल्यू करें तो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू जो होगी वो एच लॉक टू, इस तरह समझ सकते हैं इसको, वही चीज हम यूज कर रहे हैं, बस इसमें सारे को ऐड करने के बजाय हम जो ऐड कर रहे हैं वो बहुत सारे लेयर्स को ऐड कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऐड तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका इंटीग्रेशन। तो आज जो हमने पढ़ा सिंपल सा स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और जस्ट थोड़ा सा एक्चुअल एंड अपरेंट डिस्टेंस को रिलेट किया, एक्चुअल एंड अपरेंट वेलोसिटी को ऐड रिलेट। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टिल देन आई विल मीट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को मैं डाउट क्लास लूंगा, मॉर्निंग में मुझे सेंड कर देना जो भी डाउट्स हैं, वैसे मैं कल से मैं टाइम बता दूंगा आपको, मैं एग्जैक्टली टाइम कर दूंगा। बाय बाय। थैंक यू सर।